और बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर, अमृतसर के एक धार्मिक डेरे में बड़ा धमाका हुआ है जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है और करीब 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि अमृतसर के राजा सांसी के निरंकारी डेरे में 2 बाइक सवार लड़कों ने ग्रेनेड फेंका है। फोरेंसिक की टीम मौके पर पहुंच गई है। धमाके के बाद बीएसएफ को अलर्ट कर दिया गया है। अब से कुछ देर पहले यह धमाका हुआ है, 3 लोगों की मौत उसमें बताई जा रही है। 2 लड़कों ने डेरे में ग्रेनेड फेंका, बताया जा रहा है कि ये दोनों लड़के बाइक पर सवार थे। इससे पहले आपको याद होगा कि जम्मू पंजाब बॉर्डर पर आतंकवादी माना जा रहा था कि जो इनोवा कार ली गई है, छीनी गई है, वो ये आतंकवादी हो सकते हैं और पुलिस ने आतंकवादी एंगल से जांच करनी भी शुरू की थी। 4 युवक थे वो और अब ये खबर आ रही है कि 2 युवक जो बाइक पर सवार थे उन्होंने यहाँ पर हमला किया है, बाकायदा बम ब्लास्ट किया है अमृतसर के निरंकारी डेरे में। बड़ा धमाका जिसमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 12 लोग घायल हुए हैं। खबर अमृतसर से, अमृतसर के एक धार्मिक डेरे में ये धमाका हुआ, 3 लोगों की मौत, 12 लोग घायल। अमृतसर के राजा सांसी के निरंकारी डेरे में 2 बाइक सवार लड़कों ने ग्रेनेड फेंका। फोरेंसिक की टीम मौके पर पहुंच गई है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच शुरू हो गई है। पुलिस कोशिश कर रही है उन लड़कों तक पहुंचने की, क्योंकि वो बाइक पर सवार थे तो ग्रेनेड फेंककर वो फरार हो गए। फिलहाल 3 लोगों की मौत की पुष्टि इसमें कर दी गई है, लेकिन अभी ये नहीं पता चल पाया है कि ये लोग कौन थे। फिलहाल आतंकी एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। फोरेंसिक डिपार्टमेंट वहां पर मौजूद, इसके अलावा बीएसएफ को भी अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि इस तरह की खबरें आ रही थी। जो खुफिया एजेंसीज हैं उनके पास इस तरह की खबरें थी कि दिल्ली में घुसने की कोशिश आतंकवादी करेंगे। ऐसी स्थिति में अमृतसर में ये बड़ा धमाका करना, ब्लास्ट करना, जिसमें 3 लोगों की मौत हो जाती है, उसी कड़ी का एक हिस्सा नजर आ रहा है। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हम आपको उस इलाके की। यहाँ पर फिलहाल सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है, लेकिन ये अभी तक नहीं साफ हो पाया है कि ये 2 लोग कौन थे, ये दहशतगर्द थे तो इनका फिलहाल मकसद क्या था। भीड़भाड़ वहां पर इकट्ठी हो गई है, बीएसएफ के जवानों को अलर्ट कर दिया गया है। 3 लोगों के मरने की खबर आ रही है, 12 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। अमृतसर के निरंकारी डेरे की तस्वीर आप देख रहे हैं, अमृतसर का ये बड़ा धार्मिक डेरा है जहां पर ये बड़ा धमाका हुआ है। और धमाके के बाद बीएसएफ को अलर्ट किया गया है, तो तस्वीरें आपके सामने। लेकिन फिलहाल वहां पर काफी अफरा तफरी, काफी हलचल, क्योंकि ये धमाका जो अचानक से हुआ जिसकी आशंका जताई जा रही थी। और इस वक्त मेरे साथ न्यूज वर्ल्ड इंडिया के संवाददाता राजेश चौहान जुड़ गए हैं। राजेश, जानना चाहेंगे आपसे ये धमाका किस वक्त हुआ, फिलहाल वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? ये धमाका 12 बजे के आसपास हुआ है और ये अमृतसर के राजा सांसी जो हवाई अड्डा है, राजा सांसी क्षेत्र में यहाँ निरंकारी भवन है उसके अंदर ये धमाका हुआ है। कुछ लोगों ने बम फेंका है, उस घटना से 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 10 से भी ज्यादा लोग घायल हैं। इस समय पूरा दहशत का माहौल है और पुलिस वहां मौके पर पहुंच चुकी है। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है, उनका इलाज चल रहा है और बाकायदा पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया है ताकि संदिग्ध लोगों को पकड़ा जा सके। पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ छानबीन कर रही है, हालांकि अभी तक किसी के पकड़े जाने की कोई खबर नहीं। राजेश चौहान, इससे पहले ये खबर मिल रही थी खुफिया एजेंसियों के हवाले से कि इस तरीके का हमला हो सकता है, आतंकी दिल्ली में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, अलर्ट भी जारी किया गया था, उसके बावजूद ये हमला हो जाता है, इसे रोकने में प्रशासन नाकामयाब रहा? जी बिल्कुल, देखिए जो पंजाब पुलिस की खुफिया जो टीम है, जो खुफिया एजेंसियां हैं, उन्होंने इनपुट दिया था कि 6-7 के करीब लोग फिरोजपुर के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं आतंकवादी और वो दिल्ली की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे। और इसके 2 दिन पहले ही पठानकोट में 4 लोगों को एक इनोवा गाड़ी लेकर फरार होने की घटना हुई थी। तो इन तमाम जो घटनाएं थी, जो संकेत मिल रहे थे लगातार, उनसे पूरा अंदेशा था कि कोई ना कोई बड़ी आतंकी वारदात हो सकती है। और पुलिस ने बाकायदा सभी जिलों के SSP को पत्र लिख करके अलर्ट जारी भी किया था और हरियाणा को भी सतर्क रहने को कहा गया था, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह की घटना अमृतसर के क्षेत्र में हुई है तो ये अपने आप में खुफिया एजेंसियों और पुलिस जो बल है, सतर्कता है, उसकी नाकामी को दर्शाता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका इस सारी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर अमृतसर में कि राजा सांसी इलाके में धमाका हुआ है जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। निरंकारी डेरा है वहां पर जहां पर एक बड़ा धमाका हुआ, 12 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। बीएसएफ अलर्ट पर है, जो भी इस पर अपडेट आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा न्यूज वर्ल्ड इंडिया। और चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम जो हर उस आम व्यक्ति के लिए है जिनका पैसा उन बिल्डर्स के पास है
जो उन्हें मकान भी मुहैया नहीं करा रहे हैं। जी हां, रियल एस्टेट में आज सबसे ज्यादा लोग परेशान हैं, तो सिर्फ इस बात से कि बिल्डरों से घर तो बुक करा लेते हैं लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उन्हें उनके सपनों का आशियाना मिलेगा भी या नहीं। बिल्डर समय पर प्रोजेक्ट पूरे नहीं करते या कभी पोजेशन देने में देरी करते हैं। देश के कई शहरों में तो ऐसे भी बिल्डर्स हैं जो लोगों के गाढ़े खून पसीने की कमाई लेकर फरार तक हो गए हैं। आम्रपाली ग्रुप ने पिछले सालों में 117 के करीब प्रोजेक्ट लॉन्च किए लेकिन गिनती के ही प्रोजेक्ट होंगे जिनकी वो डिलीवरी दे पाया और अब वो अपने आप को डिफॉल्टर घोषित करना चाहता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए लोगों से लिए हुए पैसे बिल्डर की संपत्ति नीलाम कर वसूलने का आदेश दिया है जिससे अधूरे पड़े कुछ प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जा सके। इस पूरे मसले पर हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे उस राजनीतिक सियासत की जो मंदिर मस्जिद की बात तो जरूर करती है लेकिन आम जनता का जो खून पसीने की कमाई इन बिल्डरों के पास है उस पर कोई कारगर नीति नहीं अपनाती। शुरुआत करेंगे हमारे इस कार्यक्रम की। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान, लेकिन आपको ये पूरी घटना विस्तार से बताते हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रियल एस्टेट कंपनियों के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। अब सुप्रीम कोर्ट आम्रपाली की कई प्रॉपर्टीज को नीलाम कर घर खरीदारों को कुछ राहत देने का फैसला कर चुका है। घर की चाहत रखने वाले हजारों निवेशकों का करोड़ों रूपए अकेले दिल्ली एनसीआर के बिल्डर हजम कर अपने आप को डिफॉल्टर घोषित करने में लगे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे आम्रपाली के निवेशकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने आम्रपाली और जेपी जैसे बिल्डरों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। तो ये चार प्रॉपर्टी बेचने का आदेश जब कोर्ट ने दिया, कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि इसके माध्यम से जो भी पैसे आएंगे उससे कम से कम जो 16-17 प्रोजेक्ट रुके हुए हैं कुछ प्रोजेक्ट को एनबीसीसी के माध्यम से कम्प्लीट किया जा सकता है। अदालत ने इन बिल्डरों की संपत्ति की फॉरेंसिक जांच करने के साथ इनकी संपत्तियों को नीलाम कर निवेशकों को राहत पहुंचाने का आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से रियल एस्टेट में हड़कंप मचा हुआ है। अभी तक क्या होता था कि भाई ये प्रॉब्लम मेरी नहीं, समबडी एल्स, बैंक कहता था मेरी नहीं है, कस्टमर कहता था मेरी नहीं है। हाँ, नेचुरली प्रॉब्लम आज सबको पता है, ये प्रॉब्लम सबकी है, चाहे वो बायर है, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, चाहे वो डेवलपर है। इनफैक्ट अथॉरिटी भी इससे काफी ज्यादा आहत है। तो इसका सॉल्यूशन अब सिर्फ एक ही है कि सब लोग मिलकर एक ही जगह बैठकर, जैसे रेरा आया है तो रेरा ने काफी हद तक चीजें सॉल्व की हैं, आज बायर काफी खुश हैं। अकेले दिल्ली एनसीआर में कई बिल्डर ऐसे हैं जो अपने आप को डिफॉल्टर घोषित करने के बाद लापता हो गए। एनसीआर के ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अपनी वेबसाइट पर 164 डिफॉल्टर बिल्डर की लिस्ट डाली है। कई बिल्डरों के नोएडा में भी कई प्रोजेक्ट विवादों में हैं। नोएडा प्राधिकरण का भी इन कंपनियों पर करोड़ों रुपए का बकाया है। 164 बिल्डरों का नाम प्राधिकरण ने डिफॉल्टर लिस्ट में डाला है। ये बिल्डर निवेशकों से फ्लैट के नाम पर 90% तक पैसा ले चुके हैं। आम्रपाली 879 करोड़, यूनिटेक्स 773 करोड़, सुपर टैग 282 करोड़, पाशरनाथ डेवलपर्स 163 करोड़, एल्डल को इंफ्रास्ट्रक्चर 159 करोड़, एटीएस 124 करोड़, ओमैक्स 103 करोड़, वनशील बिल्डर टैग 84 करोड़, गुलशन डेवलपर्स 64 करोड़, निराला प्रोजेक्ट्स 28 करोड़ शामिल हैं। अथॉरिटी के अलावा बैंकों के करोड़ों रुपए के ये बिल्डर देनदार हैं। तो बैंक प्रॉपर्टी के नाम पर बैंक ग्राहकों से 90-95% पैसे वसूल चुके हैं। डिफॉल्टर बिल्डरों ने पैसे को कहां ठिकाने लगा दिया, इसकी जांच होनी अभी बाकी है। हालांकि आम्रपाली और जेपी जैसी कंपनियां अभी सुप्रीम कोर्ट में तरह तरह के बहाने बनाकर मामले को लटकाए हुए हैं, जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और सरकार सख्त कार्रवाई कर सकती है। लेकिन इन सब के बीच संसद में एक अदद आशियाने का सपना सजोए वे निवेशक अटके हैं, जो एक तरफ तो बैंकों के लोन के बोझ तले दबे हैं, दूसरी तरफ अपने रिहायश का किराया भी चुका रहे हैं।
आम्रपाली की तरह देश में कई ऐसे बिल्डर्स हैं जो निवेशकों का पैसा खाकर भाग चुके हैं, लेकिन आम्रपाली जैसे बिल्डरों से पैसा निकालने की जो तरकीब सुप्रीम कोर्ट के रास्ते निकल रही है, क्या बाकी बिल्डरों के रास्ते भी उसी तरह का आश्वासन और लोगों को मिल सकता है? आने वाले समय में सरकारों को सोचना होगा कि जो निवेशक हैं, जो घर चाहते हैं, उन्हें उनका घर कैसे मिल पाएगा। कैमरा पर्सन ललित के साथ प्रेम उपाध्याय, नई दिल्ली, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। बिल्कुल, लोग परेशान हैं, कोशिश करते हैं कि उनका घर समय से उन्हें मिल जाए, किराया भी देते हैं, ईएमआई भी भरते हैं, उसके बावजूद ये नहीं पता होता कि आखिर उन्हें उनका घर कब मिलेगा। तो जो भी लोग परेशान हैं, ये खास शो खास तौर से उनके लिए है। हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में इसका समाधान हो सकता है और कौन कौन इस पूरे मामले में कल्प्रिट्स है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक पूरा पैनल मौजूद है। हम बात करेंगे संजय जी से, संजय के चड्ढा जी हैं जो कि सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। इसके अलावा हमारे साथ इंद्रेश जी हैं जिन्होंने एप्लीकेशन डाली हुई है कोर्ट में, याचिका डाली हुई है, जो कि बायर है। इसके अलावा शोभित बत्रा हमारे साथ जुड़ेंगे बुनियाद.com से, जो कि ब्रोकर हैं, और संजीव भारद्वाज हमारे साथ हैं जो कि एक्सपर्ट हैं रियल एस्टेट में, उनसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर संजय चड्ढा जी हैं आपके पास आना चाहूंगी। सर देखिए, आम्रपाली को लेकर या फिर जेपी को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है, लेकिन जो बाकी बिल्डर्स हैं उनका क्या? देखिए, सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि जो ये जजमेंट्स आ रहे हैं इनसे एक नजीर बन रही है, बाकी जो एक लॉ एस्टेब्लिश हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर्स में यह बता दिया है क्लियरली और एम्पली क्लियर कर दिया है कि कोई भी बिल्डर ये ना समझे कि वो बायर्स के अख्तियारों को, उनके राइट्स को नजरअंदाज कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा है कि जितने भी बिल्डर्स हैं, अगर उनके खिलाफ कोई केसेस हैं, वहां पे कोई डिमांड उठ रही है, कोई डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो उनको सब मुहैया करवाने पड़ेंगे। प्रोजेक्ट्स को टाइम पे खत्म करना पड़ेगा, और अगर प्रोजेक्ट टाइम पे खत्म नहीं हो रहे हैं और बायर्स परेशान हैं तो उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल आम्रपाली के केस में या जेपी के, आम्रपाली के केस में मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक फॉरेंसिक ऑडिट तक के लिए बात हो गई, पिछले 8 साल 10 साल के अकाउंट्स को कांगाला गया है, जहां पे एक एक चीज, एक एक एंट्री, कहां से पैसा आया, कहां गया, इस चीज का ऑडिट किया गया। चलिए, ये सुप्रीम कोर्ट उसको मॉनिटर कर रही है। सुप्रीम कोर्ट को ये मॉनिटर करने की नौबत क्यों आती है? इससे पहले ही इस तरह की सरकार की कोई नीति क्यों नहीं होती कि बायर ठगा ही ना जाए? मेरे साथ रियल एस्टेट एक्सपर्ट संजीव भारद्वाज जी हैं। ये पैसा जाता कहां है? बिल्डर लोगों से पैसा ले लेता है, गायब कहां कर देता है? देखिए, अगर हम पहले की बात करें तो आपको भी मालूम है, मुझे भी, कि रियल एस्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री है, अभी इसको इंडस्ट्री का दर्जा ही नहीं मिला। दिस इज ओनली, सबसे बड़ा रीजन ये है कि अभी इसमें इंडस्ट्री का दर्जा नहीं आया है और इसके ऊपर कोई मॉनिटरिंग थी नहीं। सपोज करिए, मैं कोई अगर एक प्रोजेक्ट लेकर आ रहा हूं तो उसमें मेरे पास अगर अथाह पैसा आ जाए एक साथ और उस पैसे की एक जगह लगाने की जगह ना हो, तो मैं उसको डाइवर्सिफाई करता हूं, जिसको बोलते हैं फंड डाइवर्सिफिकेशन। ये काफी सारे केसेस में निकला है कि ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से ये दिक्कत, आज बहुत बड़ी दिक्कत, समस्या आगे खड़ी हुई है। और इसका बड़ा सिंपल वे है कि आज बायर्स, आज बिल्डर्स, आज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट इन सभी चीजों को ऑडिट करा रही है। अगर ऑडिट कराने की किसी की भी चीज को पीछे जरूरत पड़ती है तो ऑडिट होता है इसलिए कि हाँ, पीछे कुछ ना कुछ खामियां रही हैं, तो जो खामियां रही हैं उनको ढूंढना पड़ेगा, उनको थ्रू ऑडिट करके उनको सही करना पड़ेगा। इंद्रेश जी बायर हैं, पीड़ित हैं, क्योंकि इन्होंने याचिका भी डाली है कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर सख्त तो हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि आम्रपाली की और जेपी की कुछ संपत्ति अटैच कर लीजिए, उन्होंने यह भी कह दिया कि वो पैसा एनबीसीसी को दे दीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों की नाराजगी बनी हुई है, वो जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, यहाँ पर इस नोएडा और गठनाडा एरिया के अंदर में करीब 1.25 लाख के करीब फ्लैट्स हैं जो फंसे हुए हैं, जो जिसमें यूनिटेक और आम्रपाली और जेपी के भी बैंक हैं, बाकी छोटे मोटे और भी प्रोजेक्ट हैं। ये जो फ्लैट बैंक हैं, इनका सोल्यूशन अगर हम कोर्ट के थ्रू लेते हैं तो इसमें टाइम लगेगा 1 साल 1.5 साल। ऑक्शनिंग करने के बाद में अगर फंड्स आते हैं तो इसमें मिनिमम 1 ईयर लगेगा। वो 1 साल के बाद में अगर काम स्टार्ट होता है, हमारी ये डिमांड थी कि गवर्नमेंट जो है इनिशियल फंडिंग, इसमें 1,000 करोड़ या 2,000 करोड़ इनिशियल फंडिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो कर दे, जब ऑक्शन होकर जब पैसा आएगा वो पैसा गवर्नमेंट वापस ले ले। वो जो हम लोग जो इनिशियल फंडिंग के लिए 1,000 करोड़ मांग रहे हैं गवर्नमेंट से,
वो हम वैसे नहीं मांग रहे। देखिए अगर कोई भी फ्लैट बाय जो फ्लैट खरीदता है हर फ्लैट के ऊपर 2 से 3 लाख रुपए वो जीएसटी वैट सर्विस टैक्स वगैरह देता है जी। जो फ्लैट उसको मिला ही नहीं है अगर हम 1.25 लाख फ्लैट अगर कहते हैं कि इसमें फंसे हुए हैं अगर 2 से 2.5 लाख लोग पे अगर हमने टैक्स के रूप में गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए हैं इसका मतलब है कि 2500 करोड़ पे हमने गवर्नमेंट को दे दिए हैं टैक्स में जी। और इसी फ्लैट के ऊपर में हम लोगों ने ईएमआई भी जारी है हमारी जो बैंक की जो ईएमआई है वो भी इंटरेस्ट वो भी इनडायरेक्टली बैंक के गवर्नमेंट के पास ही जाता है। इसी में से एक 1/3 या 1/4 शेयर अगर हम एनबीसीसी को फंडिंग के रूप में दे देते हैं तो सारे फ्लैट कंप्लीट हो जाएंगे। यानी आप ये कह रहे हैं कि एनबीसीसी को जो पैसा कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने दे दे क्योंकि एनबीसीसी सरकारी एजेंसी है आप ये कह रहे हैं कि सीधा सरकार उसमें सामने आए और सरकार पैसा दे क्योंकि एनबीसीसी के जरिए अगर हम पैसा लेंगे तो आपको और ज्यादा देरी में वो पैसे या वो फ्लैट मिलेंगे आप ये कह रहे हैं। तो इसके लिए सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं और ये कदम आप कैसे उठाएंगे जो सरकार से आप मांग कर रहे हैं उसके लिए क्या आपने कोर्ट में कोई याचिका लगाई? हमने बिल्कुल याचिका भी डाली हुई है। हमने प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर सभी को ये लेटर लिखा हुआ है कि इसमें इनिशियल फंडिंग जो है वो गवर्नमेंट कर ले बाद में जो पैसा आएगा। देखिए ये जो 1.25 लाख फ्लैट है इसकी रजिस्ट्री नहीं होगी जब तक कंप्लीट नहीं होंगे रजिस्ट्री भी नहीं होगी और हरेक फ्लैट के रजिस्ट्री के भी 3 से 4 लाख रुपए मिलते हैं इनको। अगर फ्लैट कंप्लीट ही नहीं होंगे तो रजिस्ट्री के पैसे भी नहीं मिलेंगे। अगर फ्लैट कंप्लीट हो जाएंगे 3 से 4 लाख रुपए गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा से बेनिफिट भी मिलेगा तो ये घूम फिर के पैसा सारा का सारा गवर्नमेंट के पास में एक्स्ट्रा पैसा आएगा लेकिन वो देरी से आएगा। आप चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जी सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज का पूरा ख्याल रखा है। मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ने पहले इन बिल्डर्स से पैसा जमा करवाया है काफी बड़ी राशि वो करोड़ों में है वो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में ऑलरेडी डिपॉजिटेड है ये है पहली बात। दूसरी आम्रपाली के निर्णय में 16 कमर्शियल प्रॉपर्टीज जिसमें कि नोएडा का एक हॉस्पिटल गोवा के अंदर विला और इस तरह से तमाम कमर्शियल प्रॉपर्टीज जो हैं जो कि ओनरशिप जिनकी आम्रपाली के डायरेक्टर्स के पास है उसको बेचने का डीआरटी को ऑर्डर कर दिया है। और आपको यह बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि एनबीसीसी ने एक प्लान दिया है जिसमें कि टोटल 46,575 जो फ्लैट्स हैं उनको कंप्लीशन करने के लिए ए बी सी 3 कैटेगरीज में फ्लैट बांटे गए हैं। पहली कैटेगरी ए के फ्लैट जिसमें कि 11,400 फ्लैट हैं वो फ्लैट विद इन 6 मंथ 12 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। जो इंद्रेश जी कह रहे हैं इंद्रेश जी कह रहे हैं पैसा है और उसको वो शुरू करेंगे इस फंडिंग के साथ। चलिए तो संजय जी जो जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक आपको टाइम बाउंड करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टाइम बाउंड करके ये जो फ्लैट्स हैं वो मिल जाएंगे। जो ऑक्शनिंग में जो जा रहे हैं तो ऑक्शनिंग में मैक्सिमम जो प्रॉपर्टीज में ना उनकी सोल्ड आउट हो चुकी है। कल मैं वहीं पे था डीएसटी के जो जज साहब हैं मिस्टर राठौर उन्हीं के साथ में था। इनकी 3 प्रॉपर्टियां अभी तक जो क्लियर हुई हैं एक है वृंदावन जयपुर और भुवनेश्वर और बाकी की जो प्रॉपर्टी है मैक्सिमम प्रॉपर्टी इन्हें कहीं ना कहीं या तो जैसे गवर्नमेंट का पैसा देना है या अथॉरिटी का पैसा देना है और मैक्सिमम टू मैक्सिमम इनके पास 200 से 300 करोड़ रुपये इनका ऑक्शन के बाद निकल के आएगा। और जो इसमें जो 2700 करोड़ रुपए की इसमें जो है ना वो शॉर्टफॉल है और 2700 करोड़ कहां से आएगा। आप ये कह रहे हैं कि कुछ जो सामने रखा भी गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तब भी पैसा कम रहेगा एनबीसीसी के पास जो है पैसा कम रहेगा। एनबीसीसी ने फर्स्ट फेज की टेंडर्स भी कर दिए हैं टेंडर्स खुल भी गए फर्स्ट फेज का कर दिया 14 नवंबर क्योंकि 11,400 फ्लैट है जी 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 जितने नंबर नहीं है। मेरे साथ शोभित बत्रा बुनियाद.com से जुड़ गए हैं ब्रोकर हैं। शोभित जी जब कोर्ट का डंडा चलता है उसके बाद बिल्डर सामने आके मान जाते हैं कि हम इंटरेस्ट समेत पैसा लौटा देंगे लेकिन वो अपनी इस हरकत से बात क्यों नहीं आते कि जो पैसा उनको मान लीजिए 2000 माफ कीजिएगा जो सीएम जी हैं ये जो पैसा उनको सपोज कीजिए कि 2014 में उन्होंने बायर से लिया अब तक उन्हें फ्लैट दिया नहीं और 2018 में दूसरे बायर्स को लेकर फिर नए फ्लैट्स बुक कर दिए तो ऐसी स्थिति में कैसे चलेगा काम? कोर्ट के डंडे के बाद ही क्यों आगे बढ़ते हैं लोग? सी प्रॉब्लम जैसा संजीव ने बताया कि फंड्स ट्रांसफर का प्रॉब्लम है। जब वो प्रॉपर्टी के फंड्स जो लिए उन्होंने और वो फ्लैट्स के ऊपर ना लगा के दूसरी लैंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दी नए प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए तो प्रॉब्लम फंड्स ट्रांसफर का है और जो उन्हें उम्मीद थी कि जो दूसरे फ्लैट्स बेच के वो कैश फ्लो बना लेंगे वो मार्केट डाउन होने की वजह से बन नहीं पाया। इस कैश फ्लो बनने की वजह से सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है एंड जितने भी पुराने बायर्स हैं वो उसी में रुके हुए हैं और करंट बिल्डर्स की प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि आज की डेट में बैंकिंग भी बहुत स्ट्रांग हो गई है। जो पहले बैंक से इजीली फंडिंग मिल जाया करती थी वो नहीं मिल रही है। एनबीएफसी आप देख ही रहे हैं क्या सिचुएशन है तो इन छोटी छोटी चीजों की वजह से बैंक का बिल्डर्स का कैश फ्लो रुक चुका है। एक रीजन जरूर है ये लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के सामने फॉरेंसिक ऑडिट से जो चीज सामने आई है वो बहुत भयावही है। वो चीज क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं।
जो ऑडिटर्स हैं उन्होंने ये बड़े क्लियरिटी के साथ बताया है कि मेजर साइफनिंग ऑफ फंड्स हुई हैं। पैसे को आम्रपाली के स्थिति में मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जो कि कोर्ट के आगे दस्तावेज पेश किए गए हैं, उसके हिसाब से 250 कंपनियों में पैसा गया है पिछले 10 साल में, जो बैंक्स अकाउंट ऑडिट किए गए हैं उनमें से निकाला गया। काफी चौंकाने वाले आंकड़े हैं और आपको सरप्राइज होंगे। एक मैं एग्जांपल देता हूं, एक इकलौती कंपनी को जिसका कि उसको 100 करोड़ रुपए गए हुए हैं और उसका और छोड़ नहीं है, किस लिए गए? लेकिन लेकिन एक बात बताइए, चलिए सुप्रीम कोर्ट अमरपाली के फॉरेंसिक ऑडिट से काम नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जितनी बाकी बिल्डर्स हैं जो कि अभी फ्रंट पे आए नहीं है, उन सबका ऑडिट करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, यहाँ ये इसी पे मैं आ रही थी, संजय जी आप ही के पास आ रही थी कि जो पुराने मामले हैं, जो मामले कोर्ट में नहीं पहुंचे हैं, उनके लिए क्या रास्ता है? देखिए, एक बहुत बड़ी पुरानी कहावत है, ग्रीक कहावत है, बायर्स बी अवेयर। यहां पे बायर्स को एक्टिव होना पड़ेगा। हाँ। जैसे मेरे यहां पे बैठे हुए हैं आपके सामने, ये एक्टिव हुए, ये कोर्ट में गए, इन्होंने तमाम आपके पास ऑप्शंस हैं। हाँ। 5 से ज्यादा ऑप्शंस हैं। और करंट वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें, जैसा कि आपने शुरू में इनिशियल कहा था कि क्यों ना एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, तो वो व्यवस्था बनी है रेरा के आने के बाद। जितने प्रोजेक्ट्स हैं, जो रेरा प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें ये तरह की खामियां होने का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा पारदर्शिता रखी। देखिए, रेरा के आने के बाद जी इंद्रेश जी, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि रेरा के आने के बाद, चलिए जो आने वाले प्रोजेक्ट्स आने वाले प्रोजेक्ट्स को प्रोटेक्शन होगी, लेकिन जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उनके बायर्स को क्या फायदा होगा? कुछ भी नहीं। रेरा में जो आने के बाद उनको नहीं है कोई फायदा। रेरा की जो मीटिंग हुई थी मित्रपुरी के साथ, हमारी पर्सनल मीटिंग थी, तो उसके अंदर में भी ये निकल के आ रहा था कि जो प्रॉब्लम्स हम लोग जो कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट फंस गए हैं, उसके लिए रेरा में कोई सोल्यूशन नहीं है। वो ना उनके पास फंडिंग है, ना उनके पास जेल भेजने की कोई प्रोविजन है, ना उनके पास कोई। हम लोग जी इनकी ना गवर्नमेंट के, यूपी गवर्नमेंट की एक हाई लेवल कमेटी भी बनी थी, उसकी रिकमेंडेशन थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट को गई थी। इसमें एक था कि लीफ लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो ये रिकमेंडेशन थी कि जो उसमें फंडिंग है कोई भी करेगा तो उसको पहले एग्जिट करने का ऑप्शन मिलेगा। ये भी रिकमेंडेशन इसमें फुलफिल नहीं हुई। हम लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसा सिस्टम बने, एक कोई कमेटी बने जो खुद से डिसाइड कर ले कि ये चीज एक अलग सिस्टम की जरूरत है, नए रूल्स की जरूरत है। जी, केंद्र सरकार के द्वारा मॉनिटर, मंत्री स्तर के लोग उसमें इन्वॉल्व। मैं रियल एस्टेट एक्सपर्ट के पास जाना चाहूंगी। संजीव भारद्वाज जी, एक बात बताइए कि जो बिल्डर है, कस्टमर पे भी डाला जाता है अब, क्योंकि कस्टमर परेशान है, बायर परेशान है, उन पर डाला जाता है कि इन्होंने प्रॉपर्टी कैसे खरीद ली, क्या इन्हें पता नहीं था कि इन्होंने कागज चेक नहीं किए थे। लेकिन उससे पहला सवाल बिल्डर के ऊपर उठता है और प्रशासन के ऊपर उठता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इन बिल्डर्स को मिल जाते हैं, वो कैसे मिलते हैं? बहुत सारी चीजों को ताक पर रखकर मिलते हैं, लेकिन मिलते हैं इस वजह से शायद बायर उसमें आ जाता है, उस पूरे जाल में फंस जाता है, उन्हें लगता है कि हम सही जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, एक व्यवस्था बनती है आज की डेट में, जब आप और हम बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, जिस व्यवस्था पे रेरा, सर ने भी बताया कि रेरा अब एप्लीकेबल है, ये सबको पता है रेरा एप्लीकेबल है। आज हम रेरा से चेक कर लेते हैं, अगर हम इससे पीछे जाएं तो ऐसा नहीं है कि सारा कुछ अंधेरा था, वहां पर भी व्यवस्था थी, लेकिन व्यवस्था कहीं ना कहीं छोड़ी गई, देखी नहीं गई। उसमें सारी गलती में कभी भी 100% गलती किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी एक इंसान की नहीं होती है, गलती मिल बांट के की जाती है। अगर हम उस टाइम की बात करें तो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, आज की डेट में आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप सिर्फ और सिर्फ एक 50,000 रुपए का लोन लेने के लिए चले जाइए बैंक के पास, वो कितना परेशान करता है, कैसे होता है, कैसे मिलता है, एक आम आदमी को वो पैसा नहीं मिल सकता। लेकिन वहीं उसके बदले में अगर हम बात करें तो इन व्यवस्थाओं में एक बड़े इंसान को बहुत बड़े बड़े लोन बड़े आराम से मिल जाते हैं। तो व्यवस्था तो हर चीज में है ना, नॉट ओनली डेवलपर साइड। अगर हम इसमें बिल्कुल जैसे इंद्रेश जी ने कहा कमेटी की बात करें, तो कमेटी खाली गठन करने से कुछ नहीं होगा, कमेटी के अंदर वर्किंग करने से होगा। इसी पे मैं आ रही हूँ। मेरे साथ शोभित बत्रा जी लगातार बने हुए हैं। शोभित बत्रा जी, जब पार्टी बनाया जाता है बिल्डर को, तो ऐसी स्थिति में सरकार को और बैंक को भी पार्टी क्यों ना बनाया जाए, ऐसा कोई प्रावधान क्यों ना आया जाए ताकि अगर कुछ इस तरह का लूपहोल छोड़ा जाता है तो जवाबदेही सबकी हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सी, जितना भी यहाँ पे नोएडा में हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि अथॉरिटी ने कुछ अपनी पॉलिसीज इतनी लीनियंट कर दी थी बिल्डर्स की तरफ से कि मात्र 10% पैसा देके लैंड मिल जाती थी बिल्डर को। जबकि अगर आप बाकी जगह देखें, गुड़गांव में देखें, बेंगलोर देखें, मुंबई देखें, वहां पे कोई भी डेवलपर बिना लैंड का पूरा पैसा दिए
प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर सकता है जी। तो यहाँ पे वो लोग भी बिल्डर बन गए जिन्होंने बिना कुछ पैसे दिए प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए और वही आज की डेट में सबसे ज्यादा और उसी वजह से शायद परेशानी हो रही है। तो संजीव अगर, अगर नोएडा अथॉरिटी स्ट्रांग बन जाए और कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कोई अभी जो अथॉरिटी है ये स्ट्रांग कैसे होगी, इसमें क्या क्या प्रावधान लाए जाए, क्या नीति बनाई जाए, ये तो सबसे बड़ा सवाल है। और अगर ये सुलझ जाएगा तो शायद बायर परेशान होना बंद हो जाएगा, अथॉरिटी को स्ट्रांग स्टेप लेने पड़ेगा। जी जी संजय के मैं इसी में एक चीज एड ऑन करना चाहूंगा जो बत्रा साहब ने बोली। आज की डेट में अगर आपके घर में या फैमिली में कोई डॉक्टर बनता है तो उससे पूछा जाता है डिग्री कहां से लाए हो, आपके पास कुछ बैलेंस है, कोई पढ़ाई लिखाई की इससे रिलेटेड। बट जितने भी डेवलपर हैं कभी आपने उनसे पूछा कि आपने इसकी कोई इंफॉर्मेशन, इसकी कोई पढ़ाई की है? जी 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 संजय के चड्डा जी एक चीज और बताइए, आजकल एक और ट्रेंड देखने में आ रहा है कि बिल्डर जेल जाने से नहीं डरते। कोर्ट अगर ये कह देता है कि भाई आपको जेल भेज देंगे वो अपने आप को दिवालिया घोषित करने को राजी हो जाते हैं। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, संजय चंद्रा जी और अजय चंद्रा जी जो यूनिटेक के मालिक थे, पता चला कि वो जेल में भी एक आलिशान जिंदगी जी रहे हैं। क्या ये वजह है जिस वजह से बिल्डर जेल जाने से भी कतराते नहीं है? देखिए जैसा कि मैंने बताया साइफनिंग ऑफ फंड्स कर लिया है, इस व्यवस्था हमारी को चेंज करने की भी आवश्यकता है और इस चीज पे मैं आपसे ये आश्वासन दे रहा हूं, जबकि मैं इसको आश्वासन देने वो नहीं हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन चीजों को नजरअंदाज नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट सख्त से सख्त कदम उठाएगी और जिस तरह से भी जो साइफनिंग ऑफ फंड्स हुए हैं उसकी चेन को ट्रैक करके उसको मंगाया जाएगा पैसे को, चाहे समय इसमें जरूर लगेगा। अभी हम लोग बैठे हुए थे तो इनसे चंद्र जी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा समय बहुत लग रहा है, मैंने कहा समय है लेकिन आप देखिए पहले से व्यवस्था में काफी इंप्रूवमेंट, बिल्कुल बिल्कुल इंद्रेश जी, डे बाय डे देयर इज एन इंप्रूवमेंट। बिल्कुल इंद्रेश जी, ये जो आप लोगों का जो मैटर है वो तो कोर्ट तक पहुंच गया, जो दूसरे बायर्स हैं वो बहुत परेशान घूम रहे हैं। क्या हर कोई कोर्ट पहुंचेगा तभी उसका समाधान निकलेगा, क्योंकि हर कोई कोर्ट पहुंच नहीं रहा। कोर्ट में लोग जाते हैं ना, ये बिल्कुल एक होता है गवर्नमेंट या अथॉरिटी होती है, जब लोग यहाँ से डिससेटिस्फाइड होते हैं, जब उनकी जो रिक्वायरमेंट वहां से पूरी नहीं होती, जब उनको लगता है कि वहां के लोग जो है भ्रष्ट हो चुके हैं, तब लोग जो है कोर्ट जाते हैं। जो लॉ है प्रेजेंट लॉ है यूपी अपार्टमेंट एक्ट भी जो पहले था उसमें कमियां थी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, उसमें कोई भी एक्शन बिल्डर के खिलाफ नहीं लिए जाते थे। तभी जो लोग हैं वो कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में तभी जाते हैं कि जो यहां से उनको कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। जी जी। वैसे वो बाकी और भी है जो है अर्थ है प्रीमियम है सुपर टेक है ऑलरेडी है, कुल मिलाकर बहुत सारे बिल्डर्स के बायर्स ट्रस्ट हैं। संजीव भारद्वाज जी एक बात बताइए, ये जो अब ये कहा जा रहा है कि हम पैसे दे देंगे इंटरेस्ट के साथ पैसे दे देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी बायर अपने आप को ठगा हुआ ही महसूस करता है, क्योंकि उसने जिन कीमतों पे वो खरीदा होता है प्रॉपर्टी अब उसकी कीमत दोगुनी हो चुकी है, तो ऐसे में भी बायर को नुकसान है। कुछ समाधान इसका भविष्य में होता हुआ देख रहे हैं? देखिए इसका समाधान जैसे अभी एडवोकेट साहब ने बताया था कि आज की डेट में एनबीसीसी एक गवर्नमेंट की बॉडी है, वो बॉडी अभी क्या कर रही है, अभी सर्वे कर रही है, और उसका सर्वे सिर्फ ये नहीं था कि आपका जो पुराना रेट था उसी के ऊपर प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन निकाले। इसकी वैल्यूएशन कैसे हो रही है कि जो इन्वेंट्री पहले सोल्ड आउट है वो जिस रेट पे सोल्ड आउट है उतना पैसा उसको डिपॉजिट माना जाता है, प्लस जो बैलेंस इन्वेंट्री है बैलेंस इन्वेंट्री को आज के रेट के हिसाब से सेल करने की उसकी जो सेल वैल्यू है वो आज के रेट से उठाए जाते हैं। प्लस एनबीसीसी हमेशा एक 10% का प्लस और माइनस बोथ साइड रखती है, इस केस में वो प्लस रख रही है बिकॉज क्योंकि आज इन्वेंट्री अभी बन नहीं रही है, आज सर्वे हो रहा है, हो सकता है इसको बनने में 6 महीने साल भर लग जाए, वो जब बन जाएगा तो जो उसका जो डिफरेंस बोलते हैं वो डिफरेंस आएगा वो कैलकुलेट किया जाएगा और वो प्रोजेक्ट के अंदर डाला जाएगा। इससे प्रॉफिट कमाना गवर्नमेंट का बिल्कुल भी मोटिव नहीं है, उसने 900 करोड़ रुपए का अपने कंसल्टेंसी चार्जेस रखे हैं। हम लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि गवर्नमेंट की नवरत्न कंपनी होने के ये इसलिए कि वो अब बिना नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर करेगी काम, हमने इसके लिए डिमांड भी रखी है, लेकिन एनबीसीसी ने 900 करोड़ रुपए अपने कंसल्टेंसी चार्जेस रखे हैं जो कि बिल्कुल। चलिए इंद्रेश जी जैसे जो पीड़ित बायर्स हैं वो सिर्फ एक कोशिश कर सकते हैं कि उनको ठगा ना जाए, और उनके जैसे और बहुत से लाखों की संख्या में बायर्स हैं जिन्हें इसी तरह से इन बिल्डर्स ने परेशान किया। लेकिन सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर हम आते हैं सत्ता में, और उनका ये स्टेटमेंट है कि जेल भेजा जाएगा ऐसे लोगों को, क्या अभी तक किसी को जेल भेजा गया, पहला सवाल। और अगर रेरा भी आया तो क्या रेरा का एग्जीक्यूशन ऐसा है कि उस स्थिति में भी बायर अपने आप को ठगा हुआ ना महसूस करे? आपको यहां पर एक छोटा सा एग्जाम्पल देंगे और उसके बाद इस चर्चा को खत्म करेंगे।
मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके भी इन बिल्डर्स ने अपना लिए हैं। चाहे जेपी की बात करें तो जेपी इंफ्रा में पैसा लगाया और उसके बाद उसे ट्रांसफर कर लिया अपनी ही दूसरी कंपनी जेपी एसोसिएट में और जेपी इंफ्रा को अब दिवालिया दिखा दिया। तो ऐसी स्थिति में ये बिल्डर एक नया पैंतरा अपना रहे हैं अपने आप को बचाने का। आखिर कोर्ट और सरकार कब तक इनके पीछे भागेगी और क्या होगा इसका समाधान, ये वक्त बताएगा। क्या नई नीति, नए रूल्स रेगुलेशंस का गठन किया जाएगा? ये थी हमारी खास पेशकश। मेरे साथ जो भी मेहमान जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। थैंक यू।